हे गाइस, तो इस रक्षाबंधन आप ट्राई कर सकते हैं ये हैंडमेड राखीज। इस सारी राखीज का जो मटेरियल है वो आपके घर में कहीं ना कहीं छुपा होगा। आप उन्हीं मटेरियल से इतनी खूबसूरत सी राखी बना सकते हैं। तो हमने भी इस बार ट्राई किया है कि हम कुछ अपने भाइयों को ऐसा टाई करें जो हमारे हाथों से बना हुआ हो, मार्केट से खरीदा हुआ नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस राखी के प्रोसेस को ज़्यादा बड़बड़ किए बिना। तो चलिए, जो फर्स्ट राखी है उसके लिए हमने ये सीढ़ी का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसको ले लिया है। ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पास था तो हमने यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ आप कोई भी कार्डबोर्ड का रोल ले सकते हैं। और ये रहा ढेर सारा मटेरियल जो हमारे राखी में यूज़ होने वाला है। तो इसमें मिरर है, फैब्रिक है, काफ़ी सारा सामान है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो फैब्रिक आपको लग रहा है अच्छा है आप वो ले सकते हैं। देखिए क्या है कि ये जो राखी है इसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो हमें लगे कि अगर हमारे पास है तो वो आपके पास भी अवेलेबल हो, क्योंकि ये हैंडमेड है। और हमने ट्राई किया है कि जो मटेरियल हमारे पास है हम उसी से इन राखियों को बनाएं। तो आप भी वो सारा मटेरियल अपने पास रख लीजिए जो आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो यूज़ किया है आपको भी वही यूज़ किया है, वही यूज़ करना है। आप उन चीज़ों से भी राखी बना सकते हैं जो मटेरियल आपके पास हो। तो ये गणपति जी हैं, ये भी आपको पता ही होगा वेडिंग कार्ड्स में निकल कर आते हैं, तो हमने उन्हीं को यूज़ कर लिया है। और ये जो आप मोती का ये जो माला देख रहे हैं ये भी हमारे एक दुपट्टे में लगा हुआ था, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने उसको निकाल लिया था। अब हम बता दें कि जो बैक साइड है ना, तो इसमें हमने ये जो शॉपिंग बैग होता है उसको यूज़ किया है। सारी राखीज के बैक साइड को कवर करने के लिए हमने पेपर का यूज़ नहीं किया है, फैब्रिक का ही यूज़ किया है। इसमें क्या है, कोई रेशे नहीं निकलते हैं जैसा कि मोस्टली फैब्रिक्स में होता है। तो फिर आपको उनके भी चारों तरफ से उनके जो कॉर्नर्स होते, जो उनका साइड्स होते उसको कवर करना पड़ता, तो इसीलिए हमने इस शॉपिंग बैग का यूज़ किया है। अब जो दूसरी राखी है उसमें भी हमने इसी तरीके की लेसेस का यूज़ किया है। तो सीधी सादी बात यह है कि जो भी मटेरियल आपके पास है, जिस तरीके की लेसेस आपके पास है, अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जैसा जैसा लेसेस हमारे पास हैं वो लेसेस भी आपके पास हों। तो अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छा फैंसी सा फैब्रिक है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और ये देखिए बच्चों वाली राखी बन गई है। और देखिए टाइम कितना लग रहा है, ये जितना टाइम बोलने में लग रहा है ना उससे कहीं कम टाइम में ये राखियाँ बनकर रेडी हो चुकी थी। अब ये रेशे इस साइड से बहुत निकल रहे थे, तो इसके रेशे ना निकले, राखी ख़राब ना हो, तो हमने क्या किया, ग्लू की हेल्प से एक बीट को इसमें एंड में स्टिक कर दिया। अब इसके ये जो साइड्स है ना ये दोनों तरफ से बंद हो गए हैं, तो अब इसमें से ये रेशे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा फैंसी लुक भी आ गया और बच्चों वाली राखी बनकर भी रेडी हो गई। इसके सेंटर वाले पार्ट में आपने देखा ही होगा हमने क्लिप का यूज़ किया है जो कि अक्सर बच्चे उठा के फेंक देते हैं। तो हमने ऐसे मटेरियल को हमेशा रखने की आदत बना ली है कि हम इनको फेंकेंगे नहीं। तो सारी राखी जो थी ना वो गोल गोल हो रही थी, तो हमने कहा चलो इसके शेप को बदल देते हैं। आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, राखी तो किसी भी शेप में आती है। ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ये फैब्रिक कुछ भी परचेज करा हुआ नहीं है, ना ही हमारे घर में कोई स्टिचिंग की दुकान खुली हुई है कि हमने वहाँ से इस तरीके का फैब्रिक ले लिया। एक्चुअली जहाँ पे हम लोग स्टिचिंग कराते हैं वहाँ उन भैया से हम ये फैब्रिक लेकर आ गए थे। अभी नहीं लिया था, काफ़ी टाइम पहले लिया था। तो बस अगर आप इंटरेस्टेड हैं राखी बनाने में तो आप भी जाकर अपने आसपास का जो टेलर की शॉप है आप उनसे लेकर आ जाइए। आई गेस दे हार्डली चार्ज एनीथिंग फॉर दीज फैब्रिक्स, उनके लिए तो वेस्ट ही हैं, तो वो बड़े आराम से दे देते हैं। तो देखिए बातों बातों में ये फिर से राखी बनकर रेडी हो चुकी है। अब ये जो दो राखी हैं इसमें हमने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मिरर्स तो था ही हमारे पास और मिरर का जो काम होता है ना वो बहुत ही सुंदर लगता है। आप सिंपल सी चीज़ में भी अगर मिरर स्टिक कर देना तो वो उसमें चार चांद लगा देती हैं। तो हमने सोचा कि चलिए उसी से अपनी राखी बना लेते हैं। और
हमने जो भी शेप्स हमारे पास अवेलेबल थे उनको स्टिक कर लिया है, बहुत सिंपल सी थी। और अगर ये वाली जो राखी है इसके लिए हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, आप प्लास्टिक के जो ढक्कन होते हैं ना उससे भी सर्कल निकाल सकते हैं। ये लीजिए मिरर स्टिक कर दिया, आपके पास जो भी शेप के मिरर्स हों आप उन्हीं को लगा लीजिए और इनको अब हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राखी के लिए। ये लीजिए अब हमने यूज़ कर लिया है कलावा। अब कलावे से हम एक फ्लावर बनाएंगे, राखी का बेस आप कह सकते हैं। तो पहले हम एक पॉम्पॉम ले लेंगे जो हम कलावे से ही बनाएंगे। अब इसकी हम कटिंग करके एक छोटा सा इसमें से फ्लावर निकाल लेंगे, जो कि आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में देखा ही होगा कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, पर राखी है तो कलावा से अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसके बैक को भी, इसमें जो डोरी बांधनी थी उसके लिए भी हमने कलावे का ही यूज़ किया है। इस तरीके से एक थोड़ा सा इसमें ये कर्व्स दे दिए हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और चलिए अब हम इसको स्टिक कर लेते हैं। ये लीजिए कितना इजी था ना। अच्छा हम आपको बता दें, वैसे इस तरीके की एक राखी हमारी नीस ने भी बनाई है। राखी आने वाली है, एक्चुअली आ ही गई है। हमने तो आज राखी के ही डे पे ये वीडियो पोस्ट किया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी कहें कि लो ये राखी वाले दिन पोस्ट करने का क्या मतलब बनता है। एक्चुअली ये वीडियो बना तो बहुत पहले था, लेकिन पता नहीं क्या, जब इसको हम दो दिन पहले शेयर कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, तो देयर वॉज सम टेक्निकल इशू फ्रॉम माई एंड दैट वॉज गोइंग ऑन, और उसकी वजह से ये वीडियो शेयर नहीं हो पाया। तो वीडियो तो बना रखा ही था हमारे पास, तो हमने सोचा कि चलो अब हम इस वीडियो को रख कर क्या करेंगे, तो चलो आपको शेयर कर देते हैं। अगर किसी ऐसे तक पहुंच जाए जो बनाने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो बनाना हमारा साकार हो जाएगा। तो अब हमने ले लिया है ये पीओपी, और इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर मिक्स कर सकते हैं। हमने पिंक ले लिया है और बस इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। और दोनों जो हमारे आपने सर्किल देखे हैं, हमने दोनों में ऐसा ही किया है, एक को ब्लू एक को पर्पल से कर दिया है कवर। और इनको ड्राई होने के बाद अब बड़े आराम से आप इसके जो मिरर्स के ऊपर पीओपी आ गया है, आप वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप आराम से रिमूव कर दीजिए, बहुत आराम से निकल जाएगा। आप पानी का यूज़ मत कीजिए। अब ये थ्रेड ले लीजिए, ये डोरी है जो हम कई बार अपने क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ किया है हमने। ना हो तो कोई ऐसी राखी जो नई हो, मतलब यूज्ड ना हो, आप उसकी डोरियां भी ले सकते हैं। तो बस आपका अपना दिमाग है कितना क्रिएटिव हैं आप, और उस तरीके से आप राखी बना सकते हैं। वैसे इसमें भाभी की राखी भी थी, पर बताया हमने कि कुछ टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से गॉड नोज वो फाइल करप्ट हो गई थी उतना हिस्सा उसका, और वो हम पोस्ट नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।